कमलनाथ सरकार अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है। इससे पहले उद्योग विभाग ने पिछली सरकार में हुई इन्वेस्टर्स समिट की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि निवेश के कितने दावे किए गए और असल में जमीन पर कितने उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2016 तक शिवराज सरकार ने 12 इन्वेस्टर्स समिट की। इनमें 6,821 निवेश के प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों के हिसाब से 17,49,739 करोड़ के निवेश का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही प्रदेश की जमीन पर उतर पाया। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछले 9 महीने के कार्यकाल में 30,000 करोड़ के निवेश का दावा किया है, जो अब तक जमीन पर भी उतरा है, जिसको लेकर कमलनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और पिछली सरकार के दावों को हवा हवाई बता रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के मामले में शिवराज सरकार को कमलनाथ सरकार फेल बता रही है, जिसमें 6,500 प्रस्तावों में से सिर्फ 800 प्रस्ताव ही जमीन पर उतरे हैं। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं जिस तरह से कमलनाथ सरकार में अभी तक जिन जिन प्रस्तावों की बात की गई है वो जमीन पर उतरे हैं, इसको लेकर कमलनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कमलनाथ सरकार अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है। इससे पहले उद्योग विभाग ने पिछली सरकार में हुई इन्वेस्टर्स समिट की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि निवेश के कितने दावे किए गए और असल में जमीन पर कितने उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2016 तक शिवराज सरकार ने 12 इन्वेस्टर्स समिट की। इनमें 6,821 निवेश के प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों के हिसाब से 17,49,739 करोड़ के निवेश का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही प्रदेश की जमीन पर उतर पाया। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछले 9 महीने के कार्यकाल में 30,000 करोड़ के निवेश का दावा किया है, जो अब तक जमीन पर भी उतरा है, जिसको लेकर कमलनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और पिछली सरकार के दावों को हवा हवाई बता रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के मामले में शिवराज सरकार को कमलनाथ सरकार फेल बता रही है, जिसमें 6,500 प्रस्तावों में से सिर्फ 800 प्रस्ताव ही जमीन पर उतरे हैं। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं जिस तरह से कमलनाथ सरकार में अभी तक जिन जिन प्रस्तावों की बात की गई है वो जमीन पर उतरे हैं, इसको लेकर कमलनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।